नमस्कार, मैं रितेश मिश्रा और खबर अब तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की 20 बड़ी खबरों की। पाकिस्तान ने कोरोना के महामारी में G20 देश से मांगी मदद, BSF का मुख्यालय आज से खुलेगा। MP के छिंदवाड़ा में सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना। UP ग्रीन जोन जिले में बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं की कॉपी की जांच हुई शुरू। हरियाणा में आज से शराब की बिक्री शुरू, महंगी मिलेगी शराब। राजस्थान के जैसलमेर में पुलिस पर पत्थरबाजी। महाराष्ट्र रासायनिक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर। कोरोना मरीजों का इलाज करते करते 548 कोरोना योद्धा खुद हुए संक्रमित। महाराष्ट्र में 90 साल की बुजुर्ग महिला ने जीता कोरोना से जंग, अस्पताल से मिली छुट्टी। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने के लिए 3 लोगों को सुनाई सजा। दिल्ली के एक शख्स ने बनाया अनोखा रोबोट, दवाइयों से लेकर खाना तक कर सकता है सर। लॉकडाउन ने साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट पर भी डाला असर, हो रहा है भारी नुकसान। सुरक्षा बलों को नहीं मिले बुलेट प्रूफ हेलमेट, अपनी जान देकर चुका रहे हैं इस लापरवाही की कीमत। बॉयज लॉकर रूम केस में पुलिस ने ग्रुप बनाने वाले लड़कों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आया काला बैसाखी तूफान, सड़कों पर पानी ही पानी। देश में कोरोना ने मचाया कोहराम, बीते 24 घंटे में 2,958 नए मामले और 126 लोगों की मौत। शराब के ठेके बंद होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। कोरोना खत्म करने के लिए भारत ने बनाया प्लान, भी साबित हो सकता है गेम चेंजर।